तो हमारी इस दीवार के यहाँ पे बैठा हुआ था तेंदुआ। सही में गाइस, तेंदुआ बैठा हुआ था और मेरी अब्बू के लिए आ रखा था, क्योंकि यहाँ के जो तेंदुए वगैरह होते हैं ना, वो कुत्तों को ही ज्यादा वो करते हैं आदमी। तो मैं कब्बू को मारने आया था, वो तो मैं तेको मारने थोड़ी ना देता उसको। तो हेलो दगड़ियो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फॉर उत्तराखंड, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। तो अभी क्या है, हम लोहित जी के घर के वहाँ पे आ गए, मैं और मोहित भाई, और लेकिन लोहित भाई क्या है हमारे फिर दोबारा शायद एक झपकी मार ली कह रहे थे फिर। तो अभी बस उठ रहे हैं, फ्रेश वगैरह तो पहले ही हो गए थे, कह रहे थे मैं ऐसे बैठा हुआ था, हमारा इंतजार कर रहा था, लेकिन उनको एक झपकी और आ गई। तो लेकिन अब हमने फ़ोन कर दिया, अभी आ रहे हैं, फिर जाते हैं रनिंग करने के लिए, और देखते हैं अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रखा है। वैसे रनिंग का शॉट ले पाता या नहीं ले पाता, या फिर आपसे जिम में मिलता हूँ, तो वो देखते हैं। तो चलिए आप भी। तो अभी हम आ गए हैं इनकी रनिंग करवा के, बट अभी हम जा रहे हैं एक बस को देखने के लिए। कहाँ दे जाना है कागज? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा हमने कागज भेजना, मतलब हमने क्या मतलब, और लोहित जी भेजेंगे। लोहित जी गुड मॉर्निंग ही बोला तुमने। गुड मॉर्निंग, हाल सुबह सुबह वर्कआउट करा दे रहे हैं। कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है, वर्कआउट में चलता रहता है इतना। बट अभी वो गाड़ी में हम वो कागज देते हैं, उसके बाद हम जाएंगे सीधा जिम में। उसके बाद जिम में मिलेंगे आपको कि आज क्या करते हैं, थोड़ा क्या ऊपर नीचे क्या है भाई, क्या होता है वो वहीं जाके देखेंगे। पहले हम फिलहाल इनका कागज दे देते हैं। तो हम पहुंच गए अभी जिम में, और क्या कहते हैं, सारे भाई लोग लगे पड़े हैं, और मोहित भाई आज हमारे और ज्यादा फॉर्म पे आ रखे हैं, और हमारे साथ है नीरज भाई, नवीन भाई, और हमारे भोपाला, और उसमें खतरनाक से मारने वाले आज शोल्डर की। अभी दिखाता हूँ, सबके पास दिखाता हूँ, एक एक बार कह रहे हैं सब क्या क्या कर रहे हैं, आपको सब दिखाता हूँ। क्या राउंड चल रहा है, वॉकिंग वॉकिंग, और हमारे नीरज भाई बिल्कुल। अभी कोई समोसा खाते हुए दिख जाएगा ना जिम में, जल्दी जल्दी बताने आ जाएगा समोसा खा रहा था। तो यश हो रहा हो, अब क्या कहते हैं, सबको एक्सरसाइज करवा के मैंने भेज दिया है। अब बच रहे के हैं यहाँ हम चार जने, चार में है हमारे नीरज भाई और नवीन भाई और हमारे एक मारा बाबा, और वो मार रहे हैं अभी चेस्ट, और हम भी अपना वर्कआउट शुरू करते हैं। आज मारेंगे हम बैक, और देखो उसके साथ में शायद बाइसेप्स ही जोड़ता हूँ मैं हर बार, बैक के साथ में हमेशा बाइसेप्स जोड़ता हूँ। तो फिलहाल अपना वो शुरू कर लेता हूँ, नीरज भाई देते हैं, नीरज भाई की बॉडी देख लो, लेकिन अभी शो आउट नहीं करवा रहे, अभी सभी हम कोई शो आउट नहीं करवा रहे, क्योंकि अभी हमारा चल रहा है प्रोसेस, और प्रोसेस चल रहा है, शो आउट मैं इनकी करवाऊंगा किसी टाइम पे, उसके लिए थोड़ा सा अभी थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा, वैसे थोड़ी मेहनत नहीं, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद करवाएंगे सोचा शो आउट की कैसा 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 क्या प्रोसेस चल रहा है। तो ठीक है, फिर ना मैं भी एक्सरसाइज शुरू करता हूँ, थोड़ा वार्म अप वगैरह कर लेता हूँ, क्योंकि अभी तक क्या कहते हैं सबको सपोर्ट देना, सबको बताना कि कैसा क्या है ये वो। बहुत जने ऐसे हैं, कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो करते करते बैठ जाते हैं, है ना, वो कुछ कुछ ऐसे भी है ना जो करते करते बैठ जाते हैं, है कोई बहुत सारे जने हैं, तो सीधे सीधे बोलो करते करते बैठ जाते हैं, ये लगा लो भाई, सुबह 4 बजे उठवाते हैं, ठीक है, तो सुबह 4 बजे उठा के 4:30 बजे रेडी, 4:45 बजे रोड में भगा भगा के 5 किलोमीटर, फिर ये है वो जंपिंग कार्डियो, फिर उसके बाद ये 9:30 बजे तक वेट ट्रेनिंग, 4:30 बजे से बंदा लगा पड़ा है, फिर उसके बाद मतलब फिर भी कहते कि बंदा बैठता है, वाह भैया गुरु जी, मतलब ये तारीफ कर रहे थे, बेइज्जती मार रहे थे, कुछ काम भी था, और ऊपर क्या है हमारे यहाँ जिम जो है जो हमारा नीचे है, तो सीढ़ियों के वहाँ पे क्या था वो था, मतलब लाइट नहीं चली थी, वो लाइट को मैं देखने गया, इतने में फिर दोबारा बैठ गए, मैंने कहा ये कोई बात नहीं हुई, नीरज भाई आ गया, चलो फिर थोड़ा नीरज भाई को भी सपोर्ट देके आते हैं। ओ मेरा तो वर्कआउट हो चुका है खत्म, गुरुजी का चल रहा है, और अपने कन्नू भाई भी जिम में आ चुके हैं, आज गुरुजी कह रहे कि बोरियत वाला दिन है, लेकिन मेरे को लग रहा है अच्छा, और अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि कल सैटरडे है, कल है हफ्ते का आखिरी वर्कआउट, उसके बाद रेस्ट डे है, और मस्त पार्टी, और संडे तो आप लोगों को पता है चीट मीट का डे हुआ, तो इसलिए कुछ बढ़िया बढ़िया सा खाऊंगा, और दिखाता हूँ गुरुजी को गुरुजी क्या कर रहे हैं। तो गुरुजी हमारे कन्नू भाई को अभी ट्रेन कर रहे हैं, और कन्नू भाई बहुत बढ़िया तरीके से लगे हुए हैं, और गुरुजी कल तो सैटरडे है वर्सेस संडे है, और संडे का होता है चीट डे, चीट मील, लेकिन नहीं मतलब संडे वाले दिन ना ये मुझसे जिद करने लग जाते हैं कि हमें ये खाना है, हमें वो खाना है,
हमें ऐसा खिला दो, हमें वैसा खिला दो, मतलब पूरी मेरी ना लिस्ट बन गई है इनकी। और मैंने अभी कुछ ऐसा सोचा भी नहीं है कि कहीं जाएंगे कहीं घूमेंगे, बट इन दोनों की लिस्ट तैयार है, मोहित और लोहित भाई की, दोनों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। अगर सोचो अगर मैं सुबह सुबह पोपट काट दो ना फोन पे, बोल दो मैं कहीं नहीं जाना, सब कुछ बंद है, तो फिर देखना कम कितना सोचा गया, इतना छोटा छोटा सा मुँह हो जाएगा ना इनका, तब बताऊंगा आप लोगों को। अरे ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हो गया तो फिर मजा नहीं आएगा। चलो देखते हैं क्या होता है। और हमारे कन्नू भाई तो कह रहे अभी चल रहे, कन्नू भाई क्या करना, ये होती है माला, ये होता इतना शेर आदमी है, अभी चलो कल करे सो, आज करे सो, आज ही करो, अभी करो, देखते हैं फिर क्या हो पाता है। ठीक, वर्कआउट वगैरह करके तो हम हैं सबके सब फ्री, और क्या कहते हैं जिम वगैरह भी बढ़ा दिया हमने, देख लो अंधेरा कर दिया है, तो चले फिर। तो आज ब्लॉग का एंड मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ अभी फिलहाल, थोड़ा घर को, आज घर पे जाके थोड़ा ब्लॉग एंड करेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए घर वाले भी नहीं दिखाया और मैंने अपना कब्बू भी नहीं दिखाया आप लोगों को, तो चलते हैं सीधा घर पे जाके एंड करेंगे ब्लॉग का। तो घर जाने से पहले मैं आगे अपने मोहित भाई की दुकान में क्या है लाला जी, ऊंचे ऊंचे खड़ी करके, तो ये है हमारे मोबाइल भाई, हमारा मोबाइल वाला भाई है ये मोहित भाई, और इनकी दुकान का मैंने पहले आपको बता दिया था, ये है भाई की हमारी शॉप। और अभी क्या है, आज मैंने ब्लॉग एंड नहीं करा तो थोड़ा सा मार्केट का काम भी कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो मोहित भाई से भी मिल लेते, एक बार फिर देखो मोहित भाई की मुस्कुराहट, अच्छा जाते हो मतलब, ये देखो सिद्धू सेन। जहाँ से मैं कर देता हूँ लोहित जी को बाय बाय, और फिर मैं यहाँ से चल जाऊंगा अपने घर। तो लोहित जी टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल सुबह, कितने बजे सुबह क्या, अभी शाम को नहीं मिलेंगे क्या बाजार में घूमने, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ये भी तो ठीक है टाटा बाय बाय। तो लोहित जी को कर दिया मैंने यहाँ से विदा, अब हम जाऊंगा सीधा घर को, नीचे को, जय हो भूमिया बाबा की। अब यहाँ से हम जाते हो जरा मठू मठू ही सावर किला नी मेरा पसीना, जाते घर, और मौसम बड़ा बसपा हो रहा है, बारिश जैसा मौसम हो रखा है। सुबह से लोहित जी हम वगैरह साथ रहते हंसते हंसते, अब थोड़ा सा मुन्ना अजीब सा हो जाता है, उनका भी हो जाता है मेरा भी हो जाता है। हम तो पहुंच गए दगड़ियों घर अभी, और मम्मी देखो अभी पूजा पाठ कर रही है हमारी, और वो देखो मेरा कब्बू आ गया देखो भागते भागते, ओरे 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 ओरे, आजा 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 आजा, मैं तो कुछ लेके भी नहीं आया तेरे लिए, ये तो इतना खुश हो गया आएगा जैसे पता नहीं क्या लेके आएगा हमें इसके लिए, और मैं कुछ भी लेके नहीं आया। सुबह सुबह क्या लेके आता फिर, खाली जेब लेके जाते हैं हम, रुक जा मैं भी आ रहा हूँ अंदर। तो अभी जो है मैं हो गया हूँ नहा धो के रेडी, और नाश्ता वगैरह हमने सारा कुछ कर लिया है। और एक बात मैं आपको ये भी बताने वाला था, जो आज सुबह मैं रनिंग के लिए जब बाहर निकला तो क्या देखा मैंने, देखा कि मैं सुबह सुबह जैसे ही बाहर निकला, मतलब टाइम हो रहा था 4:30 बजे करीबन, तो हमारी इस दीवार के यहाँ पर बैठा हुआ था तेंदुआ, सही में गाइस तेंदुआ बैठा हुआ था, और मेरी मतलब ना मेरे मुँह से कुछ आवाज़ आई और ना मैंने कुछ बोला, मैं चुपचाप रहा, और मैंने मम्मी लोगों को पापा लोगों को भी नहीं बताया, मैंने कहा अगर मैं इनको बताऊंगा तो ये मुझे जिम जाने से रोक देंगे, समझ रहे हो आप। तो मैं चुपचाप ही रहा, अब वो पता नहीं किस लिए आ रखा था, शायद मेरे कब्बू के लिए आ रखा था, क्योंकि यहाँ के जो तेंदुए वगैरह होते हैं ना वो कुत्तों को ही ज़्यादा वो करते हैं आदमी में, तो कभी कभार जब कोई हो जाता है जो मतलब आदमी वगैरह पर हमला कर देता है और उसके मुँह पर खून लग जाता है मतलब, तो इसी वजह से फिर आदमी वगैरह पर हमला करता है, क्योंकि उसको देख के भाग रहा था वहाँ आदमी है, तो वही है। बाकी ये कुत्ते वगैरह जो मतलब खरगोश वगैरह होते हैं, सुंगर वगैरह जो हमारे पहाड़ों में, उन्हीं को ज़्यादातर वो करता, तो बट उसने मेरे को कुछ कहा तो नहीं, एक पल के लिए तो मेरा डर ही गया था। कभी तेरा कभी सुन अरे कब्बू को मारने आया था वो, तो मैं तेरे को मारने थोड़ा ना देता उसको, इतना प्यारा है, और वैसे भी अगर वो इसको हमला भी करता तो फिर तो शायद फाइटिंग हो जाती गाइस, सच्ची बता रहा हूँ मैं। अबे साले, क्योंकि मैंने उसको इतने प्यार से पाल रखा ना, अभी भी कहीं जैसे हम बाहर वगैरह जाते हैं या कुछ पार्टी वगैरह करते हैं या कुछ भी करते हैं, वहाँ जैसे चिकन वगैरह कुछ भी होता है, तो मेरे सारे दोस्त ना खाने में रहते हैं और मैं बस वहाँ से इसके लिए पीस और हड्डियाँ टीपने में रहता हूँ कि यार मेरा कुत्ता खाएगा करके, और इसके लिए घर को लाने, वो सब कहते पहले खा तो ले, मैं कहता हूँ नहीं पहले मैं इसके लिए रख लेता हूँ, और यहाँ भी जैसे कभी मेरे पास कुछ पैसे वगैरह भी आते हैं तो मैं इसके लिए पहले ले आता हूँ इसकी खाने की चीज़, मैं कहता हूँ चलो मैं तो खा ही लूँगा बट इसके लिए, अब उसके बाद तो मैं लग रहा है गाइस कि मैं इसको बाग के पास इसको कुछ जाने देता, फिर उस दिन से मैंने इसका भी अभी भी छत पे नहीं आया, मैंने इसको क्या कहते हैं सुबह से ही मतलब बांध के रख रखा, मैंने मम्मी लोगों को भी बता दिया, फिर उनको बताना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैं ज़्यादातर भारी रहता हूँ, तो मैंने कहा इसको ज़्यादा छत पर अकेले मत जाने देना और मतलब ध्यान वान रखना थोड़ा सा, फिर मौसम भी थोड़ा बारिश और थोड़ा धूप वाला हो रखा है तो ठीक हो रखा है वैसे मौसम, और ये देखो ये ऐसे ना छत पर ही बैठा रहता, तब मुझे इसकी लग जाती है डर कि कहीं नदी के रास्ते से मतलब ऐसा ना हो, क्योंकि एक तो हमारी ये जो एक छत हमारी ऊंची है, एक छत हमारी थोड़ी नीचे वाली, ये देखिए ये वाली छत हमारी ऊंची है और जो ये वाली छत है ये नीचे है,
तो इस वजह से नदी के रास्ते से कुछ ऐसे तेंदुआ वगैरह आए, तो इस वजह से थोड़ी सी डर लगती है बस, बाकी और कुछ नहीं। तो आज का ब्लॉग फिर मैं इतना ही रखता हूँ, वीडियो भी शायद थोड़ी लंबी हो चुकी है, तो आज का ब्लॉग इतना ही रखता हूँ। आई होप अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए तो दिल से आपको पता ही है हमेशा लव यू रहता है, और जिन्होंने नहीं किया है वो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन दबा देना, आने वाली वीडियो हमारी जो भी आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू गाइस।